सो दिस इज़ टोटली अल्टीमेट। थोड़ा सा और आगे जा रहा हूँ, अभी उस साइड जा रहा हूँ, गाड़ी इधर की साइड खड़ी है, हो रही पीछे। सो मैं भी थोड़ा सा रोड पार करके उधर की साइड जा रहा हूँ। देखो मेरे पैर में कांटा चुभ गया। इसीलिए बड़ी सावधानी के साथ चलना पड़ेगा। अच्छे और बढ़िया किस्म के शूज़ पहन के आना ज़्यादा अच्छा रहेगा यहाँ पर। मुझे ना कुछ घंटियों की आवाज़ आ रही है, मेरे ख्याल से वो बकरियाँ हैं और जो घास वास चर रही होंगी ये उनकी आवाज़ है। देखो आपको भी सुनाई दे रही होगी आवाज़। सो लेट्स मूव गाइस। देखो यहाँ पे कैसी आवाज़ आ रही है, ये घंटी बजने की ये आवाज़ बहुत ज़्यादा और तेज़ होती जा रही है, तो मैं जा रहा हूँ उधर ही। ये देखो बैल है पूरा, जंगल जंगल दोनों तरफ मेरे और मैं बीच में अकेला। चलो भाई चलो। गाइस आई होप वीडियो पसंद आ रही होगी, और यार अगर पसंद आ रही है तो तुम्हारे भाई की मेहनत है यार, लाइक सब्सक्राइब कर दो यार, लाइक कर दो। और भी बेहतरीन चीज़ें नज़ारे आपको मिलते रहेंगे। सो गाइस चलते 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 एक चीज़ देखने को मिली जो कि बहुत ही प्यारी है। देखो आई थिंक ये है दीमक के घर। देखो कितने बढ़िया नज़र आ रही है, देखो देखो देख रहे हो कुदरत कारीगरी। मुझे सबसे अच्छा ही ये वाला लगा था, इसको देख के मैं रुक गया। बहुत ही प्यारा शांत एकदम। ये देख रहे हो गाइस दूर तक वहाँ पे सारा ये सब पहाड़ है यहाँ पर पूरा, मतलब ये यहाँ तक ये जो यहाँ पे खेत नज़र आ रहे हैं आपको, ये यहाँ पे खेत जो नज़र आ रहे हैं ये यहाँ पे लास्ट होती है गुड़गांव, और इसके बाद सीधा पहाड़ चालू हो जाते हैं। देखो गाइस कितनी बड़ी बड़ी चट्टाने, ये देख रहे हो ये सब ना यहाँ तक ढह जाती गिर जाती हैं, ये देख रहे हो ऊपर से नीचे गिरी हुई है यहाँ पे। ये देखो ये सब ये ऊपर से जितने पत्थर ना ये पड़े वाले ये सब ऊपर से गिरे हुए हैं, ये देख रहे हो कैसे गिरा हुआ है। सो गाइस ये लोकेशन मैंने ढूंढ ली है, बहुत अच्छी छाया हो रखी है, मैं पानी पी रहा हूँ। अपने आप को हाइड्रेट रखते रहना सर, जब भी पहाड़ों में आए तो अपने आप को हाइड्रेट ज़रूर रखे रहना है, बिकॉज ऑफ अगर आप डिहाइड्रेटेड हुए तो फिर गड़बड़ हो जाएगी आपके साथ। तो मैं फ़िलहाल में 1 ही लीटर पानी लेकर आया हूँ, तो जितना हो सकेगा कम से कम यूज़ करना है मेरे को। और लगभग 3 बज चुके हैं और मुझे बहुत ज़ोर की भूख लगी है, तो भूख का जुगाड़ यानी कि खाना बनाने के लिए मैं अपना जो हमेशा कैरी करता हूँ स्टोव मैं लेकर आया हूँ अपना, दिस इज़ स्टोव और गैस। तो मेरा आइडिया था कि हाँ भाई वहाँ पर जाकर अपन भूख बहुत तेज़ की लगी है तो खाना ऑलरेडी मतलब मैगी मेरे को बनानी थी, ऑब्वियसली मैगी ऑल टाइम फेवरेट।
सो अभी ये बहुत अच्छी लोकेशन और सामने बहुत ही प्यारा नज़ारा है मेरे सामने इस वक्त। मैंने आपको जैसे कि दिखाया था पहले भी, अभी भी दोबारा दिखाऊंगा मैं आपको। जो कैंपिंग का स्पॉट है ना ये, तो ये बहुत ही अमेजिंग है। प्लेन की आवाज साफ आ रही होगी अभी इसके अंदर। सो कैंपिंग का जो स्पॉट है ना ये वाला, बहुत ही अमेजिंग है, बहुत ही अल्टीमेट है। और अगर आप लोगों का सपोर्ट, आप लोगों का साथ अगर ऐसे ही बना रहा ना, तो भाई कैंपिंग भी करेंगे। फिलहाल कुकिंग तो कर ही रहे हैं आप तो कुकिंग में मैं एक कॉफ़ी बनाऊंगा जो कि मेरे को चाहिए अभी इस वक्त एनर्जी के लिए, और साथ में मैं मैगी बनाऊंगा। तो वीडियो में बने रहना गाइस। गैस स्टोव, थोड़ा सा मैं चाह रहा था कि कुछ ऐसा सपोर्ट टाइप का मिल जाए, बट मुझे लगता है कि इतनी तेज़ हवा नहीं है कि मुझे सपोर्ट के लिए कुछ लगाना पड़े। आई होप कि इतने में काम बन जाए। गैस ओपन हो गया अपना, तो ये चलना चालू हो गया है। आई थिंक किसकी फ्लेम तो नज़र नहीं आने वाली है, बट यस आई कैन फील। तो पहले मैं बना रहा हूँ अपना कॉफ़ी, ये मैं लाया था बर्तन घर से। थोड़ा सा डाल देता हूँ इसमें पानी। हाँ ये काम कर गया। सो ऑल टाइम कैरी करने वाला, नेस्कैफे बनाऊंगा मैं। कॉफ़ी एक्चुअली मेरे को थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग पसंद है। और गाइस जैसे कि मैंने आपको दिखाया, अब दिखाता हूँ अगली क्लिप में, कि ना मैं चीनी लाना भूल गया था, तो मैंने रास्ते में से खरीदी। तो भाई क्या हुआ ना कि मैं घर से निकला और चीनी लेना भूल गया। तो अभी दुकान से मेरे को चीनी खरीदी है मैंने ये सामने। तो ये भी का बंदा खड़ा है, तो मैंने अभी चीनी खरीदी है। मैं गुड़गांव में हूँ अभी, तो अभी आगे डेस्टिनेशन पर पहुँच रहे, फिर मिलते हैं अभी। चीनी और ग्लास मैं नहीं लाया था, तो मैंने रास्ते में ख़रीदा। सो ये ग्लास लाया था मैं कॉफ़ी के लिए, और ये चीनी। सो गाइस कॉफ़ी में उबाल आ गया है, और अब इसके बाद बनाऊंगा मैगी। भाई साहब एक बार देखो गाइस क्या मस्त बनी, सीरियसली ये दिखने में इतनी शानदार है, पीने में कितनी शानदार होगी, मेरे से रहा नहीं जा रहा, मैं सिप ले रहा हूँ। क्या बात है, क्या बात है, ब्रावो ब्रावो, एक नंबर, एक नंबर चाय बनी है, आई मीन कॉफ़ी बनी है, बहुत ही अमेजिंग। उत्तराखंड गया था और मैंने ना वहाँ पर वीडियो बनाई थी, मतलब मैंने वहाँ पे भी कुकिंग की थी, वहाँ पे मैंने मैगी वगैरह कॉफ़ी बनाई थी। वो मिल्क लेकर गया था, मैंने आपको बताया था कि अमूल का टेट्रा पैक वाला मिल्क है, उस दिन का मिल्क रखा हुआ है ये, और मैं इसको आज यूज़ कर रहा हूँ, अब तक ये ख़राब नहीं हुआ। तो सीरियसली ये टेट्रा पैक मिल्क वाला मिल्क है ना, ये बहुत काम की चीज़ है, स्पेशली इन कैंपिंग, एक नंबर।
मैगी का पानी भी ऑलमोस्ट उबल गया है। सो अपनी मैगी ये जाने को तैयार। सो गाइस, फॉक का तो इंतज़ाम हुआ नहीं, बट मैं ये चॉपस्टिक बना के ज़रूर खा रहा हूँ। तो ये मैंने नीम के पेड़ से तोड़ा, वहाँ से इस नीम के पेड़ से तोड़ा और मैंने इस डंडी को कुछ दो हिस्सों में कर दिया। अब इसकी चॉप, मतलब वो होता है ना, वो चाइनीज़ जो बना के खाते हैं वो चॉपस्टिक की आई थिंक कहते हैं वही, अगर मैं गलत हूँ तो कमेंट में ज़रूर बता देना गाइस। तो अभी उसको बना के मैं खा रहा हूँ। सो अभी पहले इसमें मैं थोड़ा सा मिक्सिंग कर देता हूँ, मेरा मसाला मिक्स नहीं हुआ, देख रहे हो गाइस क्या कलर आ रहा है मैगी का। रोहित भाई, मैगी के कलर में आपको ये दिक्कत है क्या? लास्ट टाइम आपने कहा था भाई कलर नज़र नहीं आया, अब नज़र आ रहा है। और गाइस, ये जितना भी मैंने कूड़ा किया है ये सब मैं अभी इसको पन्नी के अंदर बांध के ले जाऊंगा। सो और मैं आप सबसे भी यही कहूंगा कि अगर आप लोकेशन पे आते हो इस पे, तो प्लीज़ यार ऐसा कूड़ा मत फैला के जाना, क्योंकि मैंने अभी रोडों पे देखा, मैं जब गया था, लाइक बोटल्स, पानी पीने वाली बोटल्स हो गई, कैंस हो गई, समझ जाइए कैन कौन सी हो सकती है, कैंस हो गई, तो वो गलत है यार, इस तरीके से मत करो तो ज़्यादा बेटर है यार। पता लग रहा है यहाँ पे आने से गवर्नमेंट आपको बैन कर रही है, फिर क्या फ़ायदा, क्या करोगे फिर? सो मैं इसको छील रहा हूँ, इसके ऊपर की छाल उतार रहा हूँ ताकि वो मेरे को कड़वा ना लगे, ठीक है। और मैं इसको एक और बार धो रहा हूँ। गाइस, अगर आप ज़्यादा दिन के लिए आ रहे हैं तो प्लीज़, यहाँ पर पानी की व्यवस्था नहीं है, तो आप पानी ज़्यादा लेकर चलें अपने साथ। तो मेरी मैगी बनके यहाँ रेडी हो चुकी है, मतलब दिल्ली NCR में द बेस्ट लोकेशन एट हेयर। सो मेरे को बहुत अच्छी लगी ये एज एन कैंपिंग, मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छा है ये कैंपिंग के लिए, तो काफ़ी अच्छा है। मेरी मैगी ऑलमोस्ट थोड़ी थोड़ी ठंडी हो गई है, तो ज़्यादा ठंडी हो गई तो फिर बेकार हो जाएगा। तो अब मैं इसको खा लेता हूँ। ये कपड़ा इसीलिए लगा रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा बर्तन गर्म हो गया है, तो पता नहीं इसको पकड़ता है कैसे, आई थिंक ऐसे, जैसे भी है। एक नंबर गनी बनी है, और मुझे चॉपस्टिक्स तो हालांकि खानी नहीं आ रही, बट मैं जैसे तैसे करके काम चला रहा हूँ क्योंकि खाना तो है ही ना। खाकर बहुत मज़ा आ गया, एक नंबर बनी थी, दिल खुश हो गया। और गाइस, प्लीज़ यार आपसे एक ही चीज़ तो मांगी है, विच इज़ सपोर्ट। आप लोगों का सपोर्ट, आप लोगों का प्यार मुझे चाहिए। आपसे प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सपोर्ट करो। आप लोगों के लाइक सपोर्ट से ही सब कुछ हो पाएगा, सब कुछ पॉसिबल है। सो प्लीज़ यार लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दो चैनल को, ताकि बहुत इससे भी ज़्यादा एडवेंचरस चीज़ें मैं कर सकूँ, मुझे मौका मिले आप लोगों को दिखाने का। प्लीज़ यार छोटी सी कोशिश, अगर आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी डेफिनेटली, क्योंकि मुझे बहुत मज़ा आया, तो आप लोगों को भी डेफिनेटली आया होगा।